सवाल लेते हैं फटाफट। प्रकाश सातपुते जी है पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने IRCTC लिया था 925 प्राइस पे तकरीबन एक साल पहले, तो अभी 732-730 के रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे सर एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, क्या करना है? गबर सर, IRCTC में क्या करें प्रकाश जी, जहां से उन्होंने खरीदा था वहां से तो नीचे और एक इसी रेंज में बहुत दिनों से घूम रहा है। ये स्टॉक मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप आ सकता है, क्योंकि जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया है इसका। फिर एक करेक्शन तो आया हमने, पर नथिंग टू वरी, अब फिलहाल होल्ड कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कहां पर एड कर ले। लोअर लेवल अगर 600 आते हैं तो उसके आसपास एड करें। मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि 600 आएगा या वीकनेस है, प्लीज मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको डिप मिलता है तो एडवांटेज ले लीजिए, एड कीजिए 600 के आसपास अगर मिलता है तो। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर ऐड कीजिए कहां पर, उसका मैं लेवल देता हूँ, वो पार कर लेगा जब 775, उसके बाद ऊपर ऐड कर लीजिए। फिर तो आप फिर एक अपून मिलेगा, वो करीब 900,000 तक ले जाए। तो IRCTC लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो या पेनफुल होता है, लेकिन है स्टॉक बढ़िया। स्टॉक अच्छा है, लेकिन ऐड करने की दो जगहें आपको बताई हैं, 775 के ऊपर या फिर नीचे। अगर बाय चांस जाए तो गाबाजी नहीं करना जाएगा, लेकिन अगर जाए नीचे 600 के आसपास तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड करके चलिए। मनोज शर्मा है हमारे साथ अलवर से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। सर मैंने जुलाई में गेल खरीदा था बिफोर बोनस, तो अभी इस टाइम करंट होल्डिंग मेरी 1800 शेयर्स की है, जो एवरेज प्राइस 91 रुपीज है, और ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, और अभी तक तो मैं कहीं गेन में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है फिलहाल। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना मेरे लिए बेटर है, या लॉन्ग टर्म चार्ट इसके कैसे लगते हैं कि कहां तक ये जा सकता है? ओके गावा सर, गेल 93 रुपए 40 पैसे पे है, लगभग 1-2 रुपए के फायदे में है अभी ये, और